हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू, एंड वो रिव्यू होगा इन मेकअप ब्रशेस पे। सो ये जेनरिक की मेकअप ब्रशेस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, एंड उसके बाद जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ब्रशेस जेनरिक के हैं, ब्रांड के हैं, एंड मैंने अमेजोन से लिए थे। तो उस टाइम 250 रुपीज़ के मैंने लिए थे। एन एस एस शिपिंग चार्ज प्लस लगता है, तो आपको 280 और 290 के समथिंग मिल जाएंगे। बट अभी इन पे मे बी और ज़्यादा ऑफर चल रहा है, तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे ही ईजिली अवेलेबल है, तो मैं दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अब बात करते हैं, तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 ब्रशेज, एंड ये इनके ऊपर अमेजोन का एक पॉली बैग आया हुआ था। एक किसी भी बॉक्स वगैरह में कार्डबोर्ड पैकेजिंग में पैक होकर नहीं मिले थे, ऐसे ही रिसीव हुए थे। इसके बाद एक पॉली बैग था, इनके अंदर ब्रशेस थे। तो पहले मैं ब्रशेस दिखा दूँ, तो सारे ब्रशेस के ऊपर इस टाइप से एक और प्लास्टिक रैप था, प्लास्टिक का सारे ब्रशेस थे। हम देख सकते हैं इसलिए सारे ब्रशेस थे, इस टाइप का प्लास्टिक रैप है। सो इस आपको मिलते हैं यहाँ पे 5 आई ब्रशेस एंड 5 फेस ब्रशेस। तो पहले मैं दिखा देती हूँ, ये हैं 5 आई ब्रशेस, एंड ये गंदे हैं बिकॉज मैंने यूज़ किए हैं, एंड मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ, तो आपने देखा ही होगा। और ये 5 फेस ब्रशेस हैं। ये 5 आई ब्रशेस एंड 5 फेस ब्रशेस मुझे रिसीव हुए थे, एंड मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। तो ये ब्रश बिल्कुल क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको एकदम कंफर्टेबल रहते हैं फेस पे। एंड इनमें से आप देख सकते हैं कोई भी ब्रशेस आप चाहें इतना इनमें से खींचें, कोई भी ब्रशेस इनमें से नहीं निकलता। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ब्रशेस की, एंड मैं इनको वॉश करके भी देख चुकी हूँ। सो वॉश, एंड मैंने इनको गर्म पानी में, वॉम वाटर में वॉश किया था, तो इनका कोई भी ब्रशेस नहीं निकला, पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं गई। यहाँ पर ये वुडन का है, पिंक कलर, इनमें कलर भी अवेलेबल बहुत सारे थे, इसमें आपको वो भी आप चेक कर लेना, ब्लैक, वाइट, पिंक, और भी शायद एक आध कलर और भी था। एंड यहाँ पे स्टील का मटेरियल ये वाला देख सकते हैं, एंड ब्रशल्स ये पॉलिस्टर टाइप ब्रशल्स हैं इसके जो भी हैं। एंड आपको मिलते हैं 5 आई ब्रशेस। सो आप देख सकते हैं, सो बनवाया मैं आपको सारी ब्रशेस दिखा देती हूँ। सो इसमें से फर्स्ट ये वाला ब्रश है, आप देख सकते हैं ये राउंड ट्राइंगल टाइप ब्रश है, यहाँ से आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, एंड यहाँ से राउंड है। सो इससे आप अपने क्रीज लाइन को बहुत ईजिली यू नो ब्लेंड कर सकते हो, बहुत ही ईजिली फिट हो जाता है यहाँ से ट्रेंगुलर होने के, उससे बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे से अपनी आई शेडो को ब्लेंड कर सकते हो। एंड सेकंड ब्रश है ये, सो आप देख सकते हैं फुल राउंड ब्रश है, तो इससे भी आप अपनी क्रीज लाइन पे ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। एंड आप इसे ऐसा यो हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको हाईलाइटर अप्लाई करना हो तो आप इजीली इसको उसके लिए भी अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है दिस फ्लॉपी ब्रश टाइप स्ट्रेट ब्रश है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। सो इसको भी ऐसा हाइलाइटर एज अ आई शेडो ब्रश, इसमें ब्रशेस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस यूज़ के लिए, मीन्स कौन सा ब्रश किस यूज़ के लिए, सो आप वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे ब्रशेस सारे यूज़ में ले लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। एंड थर्ड ब्रश है दिस पेंसिल टाइप ब्रश है, पेंसिल टिप है इसकी, या सो इससे आप अपना इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगा सकते हैं, ब्राउन्स पे यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इससे अपनी नोज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इससे आपकी नोज़ बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाती है, मैंने इससे किया भी है कुछ वीडियोस में बहुत ही इजीली। एंड जो लास्ट ब्रश है आई ब्रशेस, तो इस टाइप का ट्रायंगुलर ब्रश है, आप देख सकते हैं अगेन, एंड इसके अगेन आप अपना हाइलाइटर, आई शेडो यहाँ पर, एंड ये ट्रायंगुलर टाइप है, सो आप इसे अपने आउटर वी पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आउटर वी पे आपके इजीली फिट हो जाता है यहाँ पर भी। सो ये थे 5 आई ब्रशेस, एंड इनकी क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है,
एंड आप ये फाइव ब्रशेज आप देख सकते हैं, फाइव ब्रश पांचों इसमें है, तो पांचों ही डिफरेंट टाइप के हैं। आप इसे अपने हिसाब से भी जिस टाइप से आप यूज़ करना चाहते हो उस टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मेरे पास है फेस ब्रशेस, तो यहाँ पर मेरे पास है फाइव फेस ब्रशेस, तो मैंने वन बाई वन आपको फेस ब्रशेस दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट ब्रश है ये इस टाइप का स्ट्रेट, जैसे कि जिस टाइप के जो स्मॉल आई ब्रशेस है उसी टाइप से बिग वाले जो ब्रशेस हैं बड़े फेस के वो भी उसी टाइप से हैं, अकॉर्डिंग शेप के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, जो इस टाइप से हैं। इससे आप अपना फाउंडेशन ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं एंड फाउंडेशन एंड आप इसे अपना फेस पाउडर वगैरह जो भी है कॉम्पैक्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। एंड सेकेंड ब्रश है जिस ट्रायंगुलर ब्रश, तो इससे आप अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर सकते हैं, ट्रायंगुलर है तो ईजिली इससे आपका फेस बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रोल हो जाता है। आप इसे ऐसा इस टाइप से हैंड करके अपनी नोज को भी कॉन्ट्रोल कर सकते हैं। एंड थर्ड जो ब्रश है वो इस टाइप से है कुछ राउंड ब्रश, अगेन आप इस राउंड है यहाँ से, सो अगेन आप इससे कॉन्ट्रो भी कर सकते हैं, आप इससे अपना कॉम्पैक्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं एंड जो भी आप आई शेडो कर अप्लाई करते हैं उसका जो भी फॉल आउट होता है वो भी आप इससे ईजीली रिमूव करते कर सकते हैं लाइक दिस। एंड थर्ड ब्रश जो है सो वो इस टाइप का है कुछ, एक कंसीलर ब्रश है, तो आप इससे ईजिली अपना कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। आप अंडर आईज में आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली इससे आपका कंसीलर अप्लाई हो जाएगा अंडर आईज में। एंड और जो लास्ट ब्रश है तो वो कुछ इस टाइप का राउंड ब्रश है, तो आप इससे अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया, उसे गंदे हैं बट ये दो ब्रशेस जो थे वो बिल्कुल क्लीन है एंड ये वाले मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट वगैरह इन पर लगा हुआ है। एंड आप इस ब्रश से भी अपना कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं एंड इससे अपना कंसीलर भी आप इससे सेट कर सकते हैं, अपने कंसील कर सकते हैं अपनी आई अंडर आईज को एरिया को। एंड इसकी क्वालिटी रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो अब मैं इन से आपको इनको यूज़ करके दिखाऊंगी, मैं सारे ब्रशेस को नहीं बस थोड़े से ब्रशेस को यूज़ करके दिखाऊंगी अपने फेस पे। तो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन एंड इसके लिए मैं ओलिविया की पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों फेस में डिफरेंस, आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये बहुत ही इजीली कितने इजीली ब्लेंड किया मैंने पूरे फाउंडेशन को। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली एंड कहीं पर भी मेरा फाउंडेशन पैची वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है बिल्कुल कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों साइड से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
एंड आप देख सकते हैं कितना स्मूथ फाउंडेशन अप्लाई हुआ है मेरे फेस पे। फर्स्ट ब्रश मतलब अच्छे से ब्लेंड किया है मेरे फाउंडेशन को। वो फाउंडेशन अगर अच्छे से ब्लेंड हो तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके फेस पे। एंड सो आप देख सकते हैं मैंने अपने आईज में काजल को अप्लाई कर लिया है। एंड आप इस ब्रश की हेल्प से अपने इस ब्रश की हेल्प से अपने काजल को स्मज भी कर सकते हैं। मैं आपको स्मज करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्मच हुआ है इस साइज में काजल। और मैं इसमें भी स्मच कर लूँगी। इसमें जो टिप है आप उसकी हेल्प से अच्छे से स्मच कर सकते हैं मेरे काजल को। देख सकते हैं मेरा काजल कितने अच्छे से स्मच हुआ है बिल्कुल प्रॉपरली लाइन में। बहुत ही अच्छे से स्मच किया इस काजल ब्रश ने। तो आप इन ब्रशेस को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आप इसको ऐसा हाइलाइटर वगैरह सबके लिए यूज़ कर सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रशेस को किस टाइप से यूज़ कर रहे हो। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप एक बार ब्रशेस अगे जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है इसको मैं कितनी टाइटली कर रही हूँ। बहुत ही रियली की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल रहा है। इतनी चीप प्राइस पे आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस नहीं मिलेंगे। एंड दैट्स ऑल गाइस। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।